कोशिश करेंगे। उनकी ख्वाहिश है, उनकी तमन्ना है, हजारों ख्वाहिशें हैं उनकी, वो जहाँ कहीं मिले, जिनसे मिले। स्वतंत्रता तो है ही ना। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बीते ज़्यादा नहीं 8 वर्षों में उनके एक्शन, उनके बयान को देख लिया जाए और फिर भरोसे के सूचकांक पर कहाँ मामला ठहरता है देखा जाए। दूसरा सवाल सर ये है कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा है, जो विपक्षी पार्टियां बिहार जा रहे हैं उन्हें नीतीश कुमार से वहां के बारे में पूछना चाहिए, ऐसा ना लगे कि यह मीटिंग भ्रष्ट पार्टियों का गठबंधन होने जा रहा है। अनुराग जी इससे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, ये राजनीतिक वोकैबुलरी तो है नहीं। कर्नाटक में क्या था, वहाँ तो भ्रष्टाचार पर ही आपकी आपका ताप को ताबूत में डाल दिया गया, 40% बच्चों बच्चे की जुबान पे था। और बढ़िया विश्लेषण है आपका, अगर आप विपक्ष के नेताओं को ये, तो अगर आप ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में एक प्रगतिशील विकल्प का मायार बनता है और आप चुनाव हार जाते हैं, खुद अपना भी क्या कहिएगा, कुछ शब्द कुछ भाव बचा के रखिए। कांग्रेस ने जो चीन मसले पर श्वेत पत्र की मांग की है, संसद में चर्चा की मांग की है, साथ में ये भी कहा है कि विपक्ष जो है वो विकल्प में है अगर ये विपक्षी एकता होती है तो। देखिए मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, चीन को लेकर के ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए था, पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर के। मुझे ताज्जुब होता है, हैरानी होती है और कई दफ़ा दुख होता है कि हमारी जो सरकार है लाल आँख सिर्फ मुहावरे की तरह इस्तेमाल करती है। कम से कम एक्नॉलेज तो करिए, पूरा विपक्ष आपके साथ होगा। ये क्या बात हुई कि बड़ी इकोनॉमी है, इस तरह के बयान से भारत के मर्म को, हमारी चिंतन को, हमारे मिजाज को चोट पहुंचती है। गिरिराज जी भाजपा के बड़े नेता हैं, समान नागरिक संघ ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि इस पर विवाद क्यों चल रहा है, यह तो संविधान के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, ये गोवा और मध्य प्रदेश में पहले से है और मैं पुष्कर सिंह धामी का तारीफ करता हूं जो इस तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए गिरिराज जी की तो बात ही क्या कहूं, अभी हाल में उन्होंने कहा था ना कि गोडसे सपूत थे इस देश के, अब देख लीजिए कहां से बयान आ रहा। ये इसको हिंदू मुसलमान मत बनाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको आप सेटल अभी नहीं कर पाएंगे। ट्राइबल कस्टम्स, रीति रिवाज, छोटे छोटे आदिवासी समूह हैं, उनके बारे में क्या चिंतन है आपका। आर्टिकल 44 है, हम मानते हैं। संविधान सभा की जब बैठक हुई ना तो कहा कि अभी माहौल नहीं है, पार्टीशन के ठीक बाद दीवारें हैं जाति कौमों के बीच में, लोगों के बीच में। आज तो आपने दीवारें और नुकीली कर दी। तो एक जो मर्म होना चाहिए इस तरह के कानून के लागू होने का, वो अब माहौल तो है नहीं। और गिरिराज सिंह जी जैसे लोग उस माहौल को और बिगाड़ने में PhD किए हुए हैं, तो जाहिर है। आदि पुरुष पे इतना जो हंगामा बरपा, व्यापक आदर्शों के साथ पहुंचा, भाजपा शासन में जो फिल्मांकन किया गया है देवी देवताओं का, जो खुद को हिंदुवादी सरकार कहती है, इस पर तो पूरी BJP को माफी मांगना चाहिए। देखिए मैं तो सीधे तौर पर कहता हूँ कि आप एक्नॉलेजमेंट की फेहरिस्त पढ़ लीजिए आदि पुरुष की, किनको किनको एक्नॉलेज किया गया, सारे BJP के चीफ मिनिस्टर्स हैं या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, देखिए ईश्वर को लेकर के एक कल्पना लोगों के मन में है, उस कल्पना को जहाँ कहीं आहत किया जाता है ना, अच्छा नहीं लगता। कितनी चीज़ें आप बदल दोगे, 5 डायलॉग बदल दोगे, विजुअल्स, क्या उस तरह के विजुअल्स को लेकर के लोग सहज हैं अपने देवी देवताओं के लिए। एक व्यापक प्रश्न है और वो प्रश्न आस्था से निकल करके एक छवि निर्माण का भी है, और वहां तो बहुत बड़ी चूक हुई है। बंगाल में राज्यपाल और मुख्यवैधानिक अधिकार को लेकर आज भी बहस है। 20 जून को राजभवन में जो राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम राज्यपाल मनाने जा रहे हैं वो मनाया, उस पर ममता बनर्जी ने एतराज जताया है। देखिए वो अकेले नहीं है वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, ये जो गवर्नर्स के रूप में जिनको माना जाता था कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कस्टोडियन ऑफ पार्टीजन इंटरेस्ट हो गया। पार्टी चुनाव वहां नहीं जीत पा रही है, गवर्नर ऐसा बिठा दो लगे कि हम भी वहां संघर्ष कर रहे हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, सरकार को डिस्टेबिलाइज करने के लिए। मैं समझता हूं केंद्र की सरकार को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में कुछ मुद्दे जिस पर आम सहमति होगी सब विपक्ष की, उसमें से एक ये भी होगी कि गवर्नर के माध्यम से कैसे आप राज्यों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।